नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, कल आप सभी के चहेते ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा नया आयाम भोजपुरी इंडस्ट्री को दिया है, और वो आयाम ये है कि तमाम जो हैंडीकैप पीपल थे उनको ट्राईसाइकिल कहा जाए तो उन्होंने दिया है। और ये दिल जीतने वाली बात है, क्योंकि विकलांग बेचारे चल नहीं पाते हैं, उनके लिए एक प्रकार का पैर दे दिया है खेसारी लाल यादव ने, और जो उन्होंने बात कही थी वो बात को मनवा लिया है, जिसके बाद भोजपुरी के तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और इस बड़े काम के लिए उनको शुभकामनाएँ दे रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में एक और कोई और कलाकार है जो अलग तरीके का अपना कारनामा कर रहा है, और वो कारनामा क्या है इसके बारे में मैं क्या बताऊं, और क्या क्या हो रहा है गाने चलाने के लिए, किसका सपोर्ट लेना पड़ रहा है, मंच पर कौन दिख रहा है, मतलब कि क्या कहा जाए इस पर, तो मैं तो नहीं लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए इस पर, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं है कहने की। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सोच है और क्या प्लानिंग है, किस तरीके की चीज़ें, और मंच पर क्या क्या हुआ है, मतलब समझ रहे हो, उठा के पटक देने वाली बात सामने आ गई है। तो आप सोचिए क्या ही कहना है। लेकिन इस कड़ी में खेसारी लाल यादव के दबंग राइटर अखिलेश कश्यप और उनके मैनेजर विवेक सिंह ने मजा ले लिया है। मजा किस पे लिया है वो जब मैं पोस्ट पढ़ूंगा तो आपको पता चलेगा। अखिलेश कश्यप लिखते हैं कि धन्य है खेसारी भैया लोग, अपने मुँह अपने बड़ाई करने में लगे हैं और आप गरीबों की मदद करने में लगे हैं। फर्क तो है ना महाराज, यानी कि कोई व्यक्ति जो अपने आप अपने बड़ाई कर रहा है लेकिन कोई गरीबों की मदद कर उसकी दुआएं ले रहा है, इसमें तो फर्क तो है ही भाई। वहीं उनके मैनेजर विवेक सिंह लिखते हैं अपने फेसबुक पर कि जा धन्य हो भाई, का होई अब ये फ्रस्ट्रेशन वाला काम हो गया क्या। तो फ्रस्ट्रेशन किस तरीके से किस लेवल पर पहुंच गया है इसके बारे में अब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग लाइव भी देख रहे होंगे, तमाम चीज़ें देख रहे होंगे, किसको क्या ज़रूरत पड़ रही है, कैसे लोगों को मंच पर बुलाना पड़ रहा है, अब इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे डीप, नहीं तो बहुत कुछ बढ़ सकता है। अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अखिलेश कश्यप और विवेक सिंह ने किसको लेकर ये पोस्ट किया है ये बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।